पाकिस्तानी ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को ईद पर पेशावरी चप्पल बनवाकर तोहफे में बेच दी। जब से लोगों ने सुना है कि शाहरुख खान साहब के लिए यहाँ चप्पल तैयार की जा रही है, उसका सेल जारी है कि हमें भी वो दे दे। आप बॉलीवुड के जो स्टार अदाकार हैं शाहरुख खान, उसके लिए ईद का जो पेशावरी चप्पल का जोड़ा है वो आप लोग तैयार कर रहे हैं, ये कहाँ से ये ऑर्डर मिली है, बुकिंग मिली है, ये बताएं मुझे। जी, उसका तरीका तो ये है कि यहाँ पेशावर शहर, जो कि शाहरुख खान साहब का आबाई शहर है, वो यहाँ पर सखानी बाज़ार में उसके बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं। एक उसकी कज़न थी मुन्नी बेगम साहबा जो फोत हो चुकी हैं, उसके ज़रिए हमें ऑर्डर मिला करता था। वो जब भी खुद जाती थी या दुबई में उसकी मुलाकात होती थी उसके साथ, तो वो यहाँ से पेशावर चप्पल का ऑर्डर हमें देती थी कि अच्छा, उसके लिए एक ख़ास किस्म का चप्पल तैयार करके दे दे के मैं उसको पेश कर दूँ, तो वो हमारी तरफ से तोहफा हुआ करता था। तो इससे पहले और कभी ऑर्डर मिला है ये भी हमने सुना है, जो मशहूर फिल्म रईस बन रहा था तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑर्डर दिया गया था पेशावरी चप्पल। जी बिल्कुल, जो रिलीज़ हुई उसकी रईस फिल्म, उसमें जो चप्पल पहनी है वो भी हमारे दुकान का ही बना हुआ है चप्पल है, वो भी मुन्नी बेगम साहब आई थी और उसने हमें ऑर्डर दिया था और वो चप्पल लेके उसके पास उसने भिजवा दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएं इस ईद पे, ईद उल अज़हा पे, ये जो पेशावरी चप्पल का स्पेशल शाहरुख खान शूज़ के नाम से जाना जाता है, ये ऑर्डर किसने दिए है? जी, ये मुन्नी बेगम तो आजकल वो इस दुनिया में नहीं है, फोत हो चुकी हैं, अल्लाह उसकी मगफरत नसीब करे, लेकिन उसके बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उसके बच्चों का रब्ता हुआ है शाहरुख खान साहब से, उसने उसको कहा कि मेरे लिए इस ईद के एक ख़ास किस्म का पेशावरी चप्पल डिज़ाइन करके भिजवा दें। अच्छा, ये जो चप्पल आप बना रहे थे ये क्या नाम रखा है इस चप्पल का आपने? इसका हमने खान नाम रखा है। जिस तरह के कप्तान चप्पल की धूम थी, लोग बहुत उनकी डिमांड कर रहे थे, इस तरह खान शूज़ की भी डिमांड है क्या? नहीं है जी बिल्कुल, जब से लोगों ने सुना है कि खान साहब के, शाहरुख खान साहब के लिए यहाँ चप्पल तैयार की जा रही है, तो लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं और उसका सेल जारी है कि हमें भी वो दे दें। अच्छा, तो मुझे ये बताए ये जो डिज़ाइन आपने बनाया है ये उनके रिश्तेदारों की फरमाइश थी कि नहीं, आपने अपनी तरफ से ये डिज़ाइन बनाई है? ये उनके रिश्तेदारों की फरमाइश थी। आप क्या समझते हैं कि ये शाहरुख खान को पसंद आएगा ये डिज़ाइन? बिल्कुल इंशाल्लाह उसको पसंद आएगी। अच्छा, जो आम लेदर आप चप्पल में इस्तेमाल करते हैं वही चप्पल है कि नहीं, इसके लिए कोई ख़ास चप्पल इस्तेमाल की है और इनके लिए कोई ख़ास रेट है कि नहीं, तोहफा है आपकी जानिब से? हमारी तरफ से तो उसके लिए तोहफा है, लेकिन एक उसकी खसूसियत यह है कि इसका जो चमड़ा हमने इस्तेमाल किया है वो लेदर बैग कहलाता है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अच्छा। आम चपड़ा जो होता है वो उसको हम हाई क्रोम कहते हैं, उसका उसमें बहुत फ़र्क होता है लेदर बैग और हाई क्रोम में। मुझे ये बताए हमारे जो नाज़रीन हैं या पेशावर के लोग हैं या बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए खान शूज़ की क्या रेट है? उनके लिए खान शूज़ की रेट हमने कम से कम 5,000 रुपये रखी है, इसलिए कि अफोर्डेबल हो, ज़्यादा नहीं रखा। अच्छा, ये आम चप्पल की नस्बत महंगे है कि नहीं सस्ते? आम चप्पलों से थोड़े से महंगे हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे और जो डिज़ाइन है वो कौन कौन से मशहूर डिज़ाइन है दुकान? आजकल तो ज़्यादातर कप्तान चप्पल जो इमरान खान साहब के हवाले से मशहूर है वो है, और पुराने डिज़ाइन है सिंगल गेयर, डबल गेयर, पंजेदार वगैरह, इस किस्म की चप्पल जो पहले हुआ करते थे। वहाँ से जब फीडबैक आता है उनके रिश्तेदार क्या कहते हैं, जब फीडबैक आता है शाहरुख खान की साइड से? जी, उनके रिश्तेदार जब आते हैं हमारे पास वो कहते हैं कि शाहरुख खान साहब को जब हमने चप्पल पेश किए तो उनको बहुत पसंद आए और बहुत खुश होता है। अगर शाहरुख खान हमें देख रहे तो आप urdupoint.com की तवसुत से क्या पैगाम देंगे? जी, हम उनके लिए यह पैगाम देते हैं कि उनका ताल्लुक पेशावर शहर से, यह उसका आबाई शहर है, तो वो एक पख्तून सरजमीन से ताल्लुक़ रखता है, तो पख्तून होने के नाते उसको हमेशा पेशावरी चप्पल पहनना चाहिए।